नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेसर का पंपिंग कैसे चेक करें, जैसे फ्रिज का कंप्रेसर है उसका पंपिंग कैसे चेक करें। ठीक है, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि इसमें जो ये तीन लाइन दिया हुआ रहता है, एक दो और एक ये तीन, ठीक है, एक दो और ये तीन लाइन जो दिया हुआ रहता है वो किस काम के लिए दिया रहता है और पंपिंग कैसे चेक करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये है, ये हमारा सेक्शन लाइन है, ठीक है, ये सेक्शन लाइन है, ये हमारा सेक्शन लाइन है और ये हमारा डिस्चार्ज लाइन है। मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि इसका यूज़ हम वैक्यूम के लिए करते हैं, किसी भी मशीन को बनाने के लिए, एसी या हो या फ्रिज बनाना हो तो उसमें वैक्यूम करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर में जो होता है कि एक ही डिस्चार्ज लाइन होता है, जो कि हमारा ये देखिए ये पतला वाला जो लाइन है, ये हमारा डिस्चार्ज लाइन होगा। ठीक है, इसमें दो सेक्शन लाइन होता है, एक दो, ठीक है, ये दोनों का सेम वर्क होता है, ये दोनों सेम वर्क करेगा और ये आपका डिस्चार्ज करेगा, ये जो प्रेशर है यहाँ से डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो पंपिंग चेक करने के लिए हमको इसमें गेज लगा करके देखना होगा कि प्रेशर आपका अप्रॉक्स 400 या 500 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आपका कंप्रेसर फेज में लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको किस तरीके से चेक करना है ये तो हम डेमो दे रहे हैं, यहाँ पे बाहर चेक कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास ये स्पेयर कंप्रेसर है वर्क करने के लिए, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। और आपके आपका फ्रिज में कंप्रेसर लगा हुआ है तो उसको कैसे चेक करना है, तो ये जो है ये हो सकता है कि ये आपका जो ये पाइप जो हम जोड़े हुए ये आपका इस साइड भी हो, यानी कि इसमें जो आता है ये आपका फ्रीजर से होते हुए जो पाइप आता है ये सेक्शन लाइन में आता है और यहाँ से जो पाइप निकलता है वो आपका कंडेंसर कॉइल में जाता है, कंडेंसर कॉइल से होते हुए आपका फ्रीजर में होते हुए ये कंप्रेसर में आता है सेक्शन लाइन में। और गैस चार्ज करने के लिए हम या तो इसका भी यूज कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। ये अगर आप सेक्शन लाइन में यूज कर रहे हैं, फ्रीजर से जो पाइप आ रहा है उसमें यूज कर रहे हैं तो हम इसको गैस चार्ज के लिए यूज करेंगे, और अगर इसको यूज कर रहे सेक्शन लाइन जो आ रहा है फ्रीजर से होते हुए, अगर इसको यूज करें तो इसमें गैस डालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको बंद करके रखा हुआ है क्योंकि हम इसको वैक्यूम पंप के तरह यूज करते हैं, इसके लिए इसको बंद करके रखा हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं इसका पंपिंग कैसे चेक करते हैं वो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम एक गेज ले लेंगे जो कि हमारा कंबाइन गेज है, इसमें प्रेशर गेज और गैस चार्जिंग का गेज दोनों साथ में ही है। ठीक है, और ये हमारे पास चार्जिंग पाइप है। ठीक है, तो चार्जिंग पाइप को हम इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर गेज में इस तरीके से कनेक्ट कर देना है और ये जो हमारा दोनों वाल्व है इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर देना है, बंद कर दिए। और ये जो हमारा दूसरा छोर है चार्जिंग पाइप का, ये जो हमारा डिस्चार्ज का पॉइंट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा डिस्चार्ज का जो लाइन आ रहा है कंप्रेसर से उसमें हम इस तरीके से फिट कर देंगे। ये हम अपना चार्जिंग लाइन ने जो है इसमें फिक्स कर दिए हैं, इस तरीके से फिक्स कर देना है। करने के बाद हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये पंपिंग शो करेगा, तो ये हम ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारा कंप्रेसर का जो पंपिंग है वो शो कर रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 400 प्लस जा रहा है, इतना पे इसको बंद कर देंगे। ये जो हमारा प्रेशर बना है, ठीक है, ये प्रेशर हमारा स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा, मतलब ये हमारा सेक्शन लाइन खुला हुआ है इसके बावजूद इसमें से प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम यहाँ से प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे ये प्रेशर रिलीज़ नहीं होगा। तो आपका जब यहाँ पे प्रेशर होल्ड हो रहा है, ठीक है, स्टैंड हो रहा है, तो आपका पंपिंग यहाँ पे बराबर है। ठीक है, और पंपिंग आपका प्रेशर यहाँ पे 400 to 500 के आसपास मैंने बंद कर दिया था, अगर उससे भी ज़्यादा चालू करेंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा जाने का मतलब है कि यहाँ पे गेज मेरा जो है गेज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पंपिंग चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।